नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्रिय साथियों, जितने भी प्रैक्टिस करने वाले एथलीट है, जितने भी है। आज हमारा फिर से सैटरडे का डे है और आज फिर से हम ओपन ग्राउंड वर्कआउट, आउटडोर वर्कआउट जिसे कहते हैं, आज हम यहाँ पर आपको रनिंग और साथ में आपको सिक्स पैक की एक वर्कआउट जो ओपन ग्राउंड में आप कर सकते हैं, आज वो परफॉर्म करके दिखाएंगे हमारी टीम और जिम के सभी साथी। अभी आपको दिखाते हैं। वन टू थ्री, वन टू थ्री। एक साइड से 15, एक साइड से 15। Thank you.
पहले तीन सेट करो कंप्लीट। चलो एक साइड से 15। पचास, 50, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं, ये फैट लॉस प्लस सिक्स पैक वर्कआउट है, आउटडोर वर्कआउट बगैर कोई इक्विपमेंट के, सिर्फ बॉडी वेट का वर्कआउट है, प्लस स्टैमिना करो। सुबह सुबह की ताजी हवा के साथ बहुत बढ़िया। ओब्लिक की भी ये स्पेशल ओब्लिक की एक्सरसाइज है जिसे साइड कट कहते हैं, और ये नॉन स्टॉप वर्कआउट है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का वर्कआउट है जिसमें आपको बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। टाइट पूरा ऊपर, चलो चलो वेट लॉस फैट लॉस प्लस स्टैमिना ग्रो वर्कआउट है ये। मसल्स इंक्रीज भी होती है इस वर्कआउट से। आप चाहे किसी भी गेम के आपको ये वर्कआउट जरूर करना चाहिए इसमें साथ में, जिसे स्ट्रेचिंग कहते हैं वो भी होती है। Thank you.
साथी टीम ओम जिम के साथी, 6 बजे वर्कआउट शुरू कर देते हैं हम। स्टार्ट। ये भी बढ़िया एक्सरसाइज आपकी टम्मी को, पेट को घटाने के लिए, जिसे तौंद कहते हैं, बाहर निकल जाती है। इसमें क्या करना होता है आपको, जिस टाइम आप नीचे झुक रहे होते हैं उस टाइम सांस पूरा बाहर और ऊपर आते टाइम सांस को अंदर खींचना है। ये जरूर ध्यान रखना इस बात का, नीचे जाते टाइम सांस बाहर और जब आप ऊपर उठते हो उस टाइम सांस अंदर, ये जरूर करना इस एक्सरसाइज में, तभी इसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। चलो चलो शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो चलो। अब एक सेट उसका था बैठ के एक्सरसाइज और एक सेट स्ट्रेचिंग थाई के लिए, बहुत बढ़िया है। आप रनिंग वगैरह करते हैं तो स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, कोई भी वर्कआउट करो चाहे स्ट्रेचिंग उसमें बहुत बढ़िया है और जरूरी भी है। हफ्ते में 2 दिन कम से कम स्ट्रेचिंग आपको स्पेशल स्ट्रेचिंग के लिए निकालना चाहिए, 15 मिनट के लिए, जिससे कि आपकी सारी मसल रिलैक्स रहती है, आपको इंजरी होने का खतरा नहीं रहता, जैसे नस खिंच गई या कुछ झटका वगैरह आ गया, इस प्रकार का कोई भी आपको खतरा नहीं रहता अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो तो। शाबाश शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्कआउट है पिजो जंपिंग, जिसे लंगड़ी टांग भी कहते हैं या एक टांग भी कहते हैं, जंप करके जाना है एक टाइम एक पैर पे और दूसरे पैर पे जंप करके आना है। चलो स्टार्ट। इस वर्कआउट का फायदा है आपके पांव की स्ट्रेंथ, पैर की जो ताकत है वो बढ़ती है और आपको बैलेंस बनाना भी आता है, इससे बैलेंस बहुत बढ़िया बनेगा आपका बॉडी का। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट वर्कआउट हमारा पुलअप्स, जिसे आप लटकना भी कहते हैं हिंदी में। अभी वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। चलो भाई स्टार्ट। ये देखिए, इससे आपके पूरी बॉडी की पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, हर चीज बढ़ेगी इससे। स्टार्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। स्टार्ट। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। स्टार्ट। शाबाश शाबाश। स्टार्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगे रहो लगे रहो। स्टार्ट। अब नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा, जिसे देसी डंड स्क्वाट कहते हैं। अभी वो परफॉर्म करके दिखाएंगे हमारे टीम होम जिम के सभी साथी। स्टार्ट। सभी मेरे प्रिय साथियों, आपने देखा होगा हमारा ये सैटरडे का, शनिवार का आउटडोर वर्कआउट, जो बगैर किसी इक्विपमेंट के और पूरा कंप्लीट बॉडी का वर्कआउट, जिसमें फैट लॉस, वेट लॉस और सिक्स पैक की एक्सरसाइज, पावर, स्टेमिना, हर चीज़ की एक्सरसाइज करके दिखाया आपको। ये 15 मिनट का या 20 मिनट का वर्कआउट होता है। इसे आप डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं, या आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर कीजिएगा। चाहे जिम में जा रहे हो आप, चाहे कहीं जा रहे हो, ये वर्कआउट आपकी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। और आशा है, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती होगी। और प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज आपको अभी आगे और भी दिखाते रहेंगे। थैंक यू। जय वंदे मातरम, मातरम।